गर्मियाँ आ गई हैं और गर्मियों में पुदीना भी काफ़ी आता है, और इसकी जो फ्रेशनेस है, इसकी जो ताजगी है, किसी भी ड्रिंक में, चटनी में, काफ़ी रेसिपीज़ में ये इस्तेमाल होता है, तो एकदम से ताजगी ले आता है पुदीना। तो आज हम बना रहे हैं कच्चे आम और पुदीने की बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चटपटी चटनी। और कच्चा आम भी मार्केट में आसानी से मिलना शुरू हो गया है, तो चलिए बनाते हैं एकदम से चटपटी तीखी पुदीने की चटनी। अब सबसे पहले पुदीना ले लिया है मैंने। यहाँ पे पुदीने की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा ली है मैंने। थोड़ा सा धनिया भी लिया है, जितना मैंने पुदीना लिया है उसका चौथाई भाग धनिया का लिया है, तो बहुत कम डाला है, आप चाहें तो अवॉइड कर दें। चार हरी मिर्ची ली है मैंने यहाँ पे, और मैंगो अपने खट्टेपन के हिसाब से डालें, जितना आप खाना पसंद करते हैं। 10 से 12 लहसुन की कलियाँ डाली हैं। अगर आप डालना पसंद करते हैं, खाना पसंद करते हैं, तो ज़रूर डालें, और नहीं तो स्किप कर दें। सभी चीज़ों को एक मिक्सी जार लेंगे, उसके अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे, इस तरीके से डाल देंगे, और थोड़ा सा कट करके डालें। कट करके डालेंगे तो इन्हें पीसने में आसानी होगी, और सभी चीज़ों को इस तरीके से डाल देंगे बारी बारी से। और तीखा भी आप अपने अनुसार कर सकते हैं इसमें, जितना आप तीखा खाना पसंद करते हैं। आप इसमें थोड़ा सा भुना हुआ जीरा भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। सभी चीज़ों को अच्छे से डाल देंगे, और अब इसमें डाल देंगे नमक। नमक अपने टेस्ट के अनुसार आप इसमें ऐड करें, और नमक डालने के बाद इसमें डाल देंगे हम पानी, और आप इसमें एक आइस क्यूब भी डाल सकते हैं, इससे इसकी जो ताजगी है बनी रहती है, और कलर भी एकदम से ग्रीन रहता है। अब इन्हें अच्छे से पीस लेंगे, और ये देखिए अच्छे से मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है, और बहुत अच्छे से चटनी पिसकी हो गई है हमारी तैयार। और ये लीजिए, फटाफट से 2 मिनट में मैंगो और मिंट की चटनी बनके हो गई है तैयार। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें गर्मियों में, बहुत ही अच्छी एकदम से चटपटी टेस्टी बनके तैयार होती है। और अगर आपको रेसिपी पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।